कम आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं इन पोंगल नड़तुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं कुछ लोग शायद कल मनाएंगे माघ बिहू भी, भी बताने ही वाला है मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं साथियों यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडू के अवसर पर यहां मिल चुके हैं मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर दिया ये ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सव मना रहा हूं साथियों संत तिरुवल्लुवर ने कहा है तल्ला विड़युड़ुम तक्कारुम तालीवल्ला चेवरुम नाडू, यानी अच्छी फसल पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं तिरुवल्लीवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है ये हम सबको संदेश है पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता हमारे किसान है और वैसे भी भारत का हर त्यौहार किसी न किसी रूप में गांव से किसानी से फसल से जुड़ा हुआ होता है मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के तीन करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये तीन करोड़ किसानों का भला होता है साथियों पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती लेकिन कोलम का असली रूप तब और भविष्यशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है ये भावना दिखती है इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं साथियों एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है सबसे बड़ी पूंजी है आपको याद होगा लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है देश की एकता को मजबूत करना है पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है साथियों आज यहां मुझे बताया गया बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है आप सब भी इंतजार करते होंगे मैं भी इंतजार करता हूं ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा यह भी एक सौभाग्य होता है मेरे इन सभी कलाकारों भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं मैं फिर एक बार मुरगन जी का धन्यवाद करता हूं वणक्कम